नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YouTube टिप्स पर। तो गाइज, मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक नए यूट्यूबर के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है अपना वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। तो गाइज, सबसे पहले तो हमें एक ट्राईपॉड की ज़रूरत होती है और उसके बाद हमें ज़रूरत होती है एक मोबाइल की, यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन की, जिससे हम अपना वीडियो बना सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए हमें एंड्रॉयड फ़ोन इसलिए चाहिए ताकि हम अपना वीडियो बनाने के बाद में उसे एडिट भी कर सके। एडिट करने के बाद में क्या होता है, हमें अपलोड करना होता है, इसलिए हमें पहले काफ़ी अच्छे तरीके से उसे वीडियो बना के एडिट करना होता है। तो एंड्रॉयड फ़ोन में काफ़ी सिस्टम दिए होते हैं जिससे हम अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। और सेकेंड नंबर चीज़ दोस्तों, आपको एक माइक चाहिए। माइक भी आप साधारण भी माइक यूज़ कर सकते हो, सिर्फ उसमें आपकी वॉइस क्वालिटी जो है बहुत अच्छी आनी चाहिए, यानी कि क्लियर आना चाहिए, ऑडियंस को सुनने में मज़ा आना चाहिए। दोस्तों, ये दो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि सेटअप ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेटअप हम अपने घर में अपने हिसाब से बना सकते हैं। बस सेटअप बनाओ, बहुत ज़्यादा लाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले कम खर्चे में ही स्टार्ट कीजिए, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, क्योंकि ये है लाइफ। लाइफ में कभी हमें सक्सेस मिलती है, कभी हमें सक्सेस नहीं मिलती है, इसलिए ज़्यादा खर्च मत करो। यूट्यूब पे अगर आप वीडियो बना रहे हो तो कम खर्चे में ज़्यादा काम करो। कहते हैं ना कि जीरो से स्टार्ट करने वाला व्यक्ति हमेशा ऊपर उठता है। तो आप ज़्यादा खर्चा ना करते हुए कम लागत में ही अपने वीडियो बनाए, अपने ही मोबाइल से शूट करें। हमें ज़रूरत नहीं है DSLR कैमरे की, हमें ज़रूरत नहीं है HD कैम की, हम अपने ही मोबाइल से शूट कर सकते हैं, अपने वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि हम हैं गरीब परिस्थिति के लोग, हमें मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग, हम ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े बड़े सेटअप नहीं अफोर्ड कर सकते, हम बड़ी बड़ी लाइटिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम बड़े बड़े माइक नहीं कर सकते, क्योंकि उस सेटअप के लिए लगभग 2 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं। दोस्तों, हमारे पास उतना नहीं, अगर हमारे पास में उतना पैसा होता तो हम पूरा सेटअप खरीद लेते। तो दरअसल दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 2-4 चीज़ों की ही रिक्वायरमेंट होगी। एक तो एंड्रॉयड फ़ोन जनरली सबके पास होता है, एंड्रॉयड फ़ोन। ट्राईपैड भी 200 से 300 में अच्छे से अच्छा ट्राईपॉड आ जाता है, और माइक भी आप लोगे तो 200 या 300-500 में आपको माइक मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये 2-3 चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। आप, मैं सलाह दूँ आपको तो आप ज़्यादा खर्च मत कीजिए, कम खर्चे में सबसे पहले अपनी जर्नी स्टार्ट तो कीजिए। जर्नी स्टार्ट करने के बाद आपको खुद मालूम हो जाएगा अगर आप अच्छे वे में चल रहे हो, अगर आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हो, अगर आपका रास्ता आसान होते जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप एक ना एक दिन खरीद लोगे। लेकिन आप ज़्यादा खर्च मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, सेटअप ले लेते हैं, लाइटिंग ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनका वीडियो नहीं चल पाता, उनका वीडियो रैंक नहीं कर पाता, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं कि यार मैंने इतना खर्च कर लिया, अब यूट्यूब पर मेरी वीडियो नहीं चल रही है। तो दोस्तों, मैं इसलिए आपको सलाह दूंगा कि आप इतना खर्चा मत कीजिए, कम खर्चे में पहले आप अपनी जर्नी शुरुआत तो कीजिए। तो दोस्तों, आपको तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप ज़्यादा खर्चा मत कीजिए, कम खर्चे में सबसे पहले आपकी जर्नी स्टार्ट कीजिए। जर्नी स्टार्ट होने के बाद में जैसे ही आपको यूट्यूब से तरक्की मिल जाएगी, यानी यूट्यूब से आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप धीरे धीरे स्टेप वाइज आप अपनी चीज़ें, आपकी ज़रूरत की, आप खरीद सकते हो। लेकिन आप स्टार्टिंग में इतने सारे खर्चे मत कीजिए। जिसके पास हो तो ठीक है, जिसके पास नहीं हो तो वो क्या करेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें खरीदे मत, अपना पहले सेटअप अपने ही घर पे तैयार करो, आप उस पर ही 2-4-6 महीने प्रैक्टिस करो, उस पर ही 2-4-6 महीने अपने वीडियो बनाकर वीडियो अपलोड करो। जैसे ही आपके वीडियो वायरल होते हैं, आपके चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपका पेमेंट आने लगता है, उसी पेमेंट से आप एक एक चीज़ ले सकते हो, तभी आपको मज़ा आएगा और तभी आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ कर दिखाया है। यानी मैंने अपने पैसे न खर्च करते हुए, मैंने जिससे कमाया है उसी के लिए मैंने पैसे खर्च किया है। ये सलाह मानोगे तो दोस्त, आप ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, अपना सेटअप आप फिलहाल के लिए अपने घर पे ही बनाओ। क्योंकि क्या होता है, सेटअप बनाने में हमें इतना पैसा खर्च हो जाता है और उसके बाद में हमारे वीडियो नहीं चलते हैं ना, तो बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। बहुत से लोग ऐसी गलती करते हैं, काफ़ी महंगे महंगे चीज़ें ले लेते हैं, अपने मम्मी पापा को परेशान करते हैं कि मुझे माइक चाहिए, मुझे कैमरा चाहिए, मुझे स्टैंड चाहिए। कुछ भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों इन सब चीज़ों की, आप सिर्फ स्टार्ट तो कीजिए। अगर आपकी जर्नी अच्छी चलने लगी
तो आप खुद ब खुद वो चीज़ ले लोगे। मम्मी पापा को परेशान मत कीजिए, क्योंकि मम्मी पापा ऑलरेडी परेशान रहते हैं हमें पढ़ाई एजुकेशन के लिए, तो आप उनको परेशान मत कीजिए। आप कुछ कर दिखाइए, कुछ ऐसा कर दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए, ताकि आपके मम्मी पापा आप पर फक्र कर सके कि मेरे बेटे ने अपने बदौलत यानी कि खुद के बदौलत काफ़ी कुछ कर लिया है। तो गाइज़, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बताना चाहूँगा कि बस आपका एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए, एक छोटा सा ट्राईपैड चाहिए और एक माइक चाहिए। दोस्तों, इन तीनों चीज़ों में ही आपके वीडियो बन जाएंगे, आपके वीडियो एडिट हो जाएंगे और आपका वीडियो अपलोड भी हो जाएगा और आपका वीडियो वायरल भी हो जाएगा। ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ना ही बड़े बड़े लाइटिंग की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप दिन में अपना वीडियो बनाइए, किसी भी लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए बनता है मोटिवेट। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक पे मैं आपको वीडियो लाते रहूँगा, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, थैंक यू।